तो G20 I I understand is one of the most important topics for this year है ना मतलब देखते हैं किस एस्पेक्ट में आता है but definitely G20 is one of the very important topics you should know this inside out है ना G20 सबको आना चाहिए तो मैं आपको इस क्लास के बाद में जब आप आपने नोट्स बना लोगे ना you will not need anything from G20 है ना G20 से इतना ही करना है आपको मैं कुछ कुछ लेकिन मैं आज स्टार्ट G20 क्विज़ से करूंगा जस्ट टू सी कि कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आजकल क्योंकि पिछले दो दिनों में आप देखोगे खासकर आज कल और परसों तीन दिनों में तो बहुत ज्यादा जी ट्वेंटी के बारे में आया तो इफ यू है तो न्यूज पेपर आई थिंक uh, काफी सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे ओके गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड टू सी वेलकम बैक टू ट्वेल्व मिनट्स टू क्लैट तो यहां पर हम लोग ये प्रॉपर टॉपिक डिस्कस करने वाले आज एक ही टॉपिक करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है जी ट्वेंटी को हम लोग एलैबोरेट तरह से पूरा अच्छे से कवर करेंगे एक एक फैक्ट ठीक है तो यहाँ पर यू कैन सी द फोटो अरे मोदी जी के सामने खड़ा हो गया वैसे ये अच्छा लग रहा था ना फाइव लीडर्स ऑफ कंट्री राइट दिस वाज नाइस एनी तो यहां पर जी ट्वेंटी समिट अभी इसी सैटरडे संडे को हुआ है ऑन नाइन्थ एंड टेंथ ऑफ सेप्टेंबर सो विल डिस्कस इसके बारे में सब कुछ कि यह क्यों इतना रेलिवेंट है इंडिया में वो है ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट थिंग इज दैट फॉर अस्ट सो दैट इज वाई इट कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल दी एग्जाम्स जो भी आप देना चाहोगे राइट सो दिस इज क्वेट इम्पॉर्टेंट चलो कंप्यूटर uh, पर वीडियो अन अवेलेबल आ रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना मतलब ऐसे कोई अलग अलग टेक्नोलॉजी थोड़ी है कि मोबाइल पर अलग आता है और कंप्यूटर पर अलग अलग आता है आप सवा नौ से पहले चला रहे होंगे शायद इसलिए ना अवेलेबल आ रही होगी उस टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था ओके चलो स्टार्ट करते हैं है ना तो लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस अच्छा मेरे को पहले कौन कौन बता सकते हैं कि हु आर दीज पीपल बाय द वे हु इज दिस पर्सन ये कौन है लेट्स स्टार्ट थोड़ा मोटा हल्का फुल्का समझ के साथ करते हैं पहले हु इज दिस पर्सन ऋषि सुनाक इजी हु इज दिस पर्सन ये कौन है तो शी शेख हसीना ठीक है शी इज दी बांग्लादेश इज प्राइम मिनिस्टर ये तो चलो नो नो नीड नो इंट्रोडक्शन हु इज दिस पर्सन ये कौन है हु इज दिस पर्सन इसका इनका हमने इनके बारे में ब्रिक्स के टाइम भी हमने डिस्कस किया था है ना गुड दिस इज मिस्टर सिरिल रामफोसा एंड दिस इज दिस इज जो बाइडेन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स तो ये पांच मेजर लोग आप कह सकते हो कि जो जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए हैं That is why we put the the picture of these people on on thing. रोज भूल जाता था। तो आज मैंने कहा कि क्लास बाद तो आपके लिए uh, the questions are based on G20 itself, इनके सारे सवालों के जवाब मैं ड्यूरिंग दी सेशन डिस्कस करूंगा बट आई एम जस्ट ट्राइन टू अंडरस्टैंड की आप लोगों को फिलहाल कितना आता है चलो फर्स्ट क्वेश्चन Who among the following was India's Sherpa in the G20 meet of, meet of this year? Who was India's Sherpa? Batao. Good, the correct answer for this one is Amitabh Kant. ठीक okay, है, Amitabh Kant is the G20 sharpa. G20 sharpa, एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना? ऑप्शन नंबर C is correct.

तो मिस्टर अजाली असुमानी इज पर्सन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज वेन्यू ऑफ दी ट्वेंटी उस वेन्यू को क्या बोलते हैं जहां पर वो किया गया मतलब ऑल ऑफ नो की डेली में हुआ है बट डेली में वो कौन सा वेन्यू है सो दिस इज आई थिंक वेरी सिंपल है ना इट इज भारत मंडपम भारत मंडपम ज दैन्यू ऑफ जी ट्वेंटी समिट दिस इच ऑफ दॉट अ जी ट्वेंटी नेशन पहले इसका आंसर दो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वॉट इज दिहाइंडिस इज नॉट अ जी ट्वेंटी नेशन कौन इसमें से जी ट्वेंटी में नहीं आता है तो इसमें से स्पेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दी ट्वेंटी नेशन ठीक है स्पेन वॉज वन ऑफ द इनवाइटीज बट स्पेन इज नॉट अ पार्ट तो यहां पर पता है आपको ऐसे सारे याद नहीं करने बट अगर ऐसे ऑड वन आउट में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए राइट right? तो करेंटली आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हैज कंट्रीज टू यूनियंस यूरोपियन यूनियन और इस बार आफ्रीकन यूनियन भी ऐड कर दिया है राइट right? तो स्पेन इज द करेक्ट आंसर इट्स नॉट अ मेंबर में जी ट्वेंटी लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे विच ऑफ फॉलोइंग देशन सपोज टू बी दी ट्वेंटी कंट्री

एक तरह से इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस दैट इंडिया होस्टेड दी जी ट्वेंटी इंडिया ने अपना जी ट्वेंटी और आप देखोगे पूरे साल से कई सारी मीटिंग हुई है अभी तो ऑब्वियसली द मेन जी ट्वेंटी बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट टू क्रिएट यू नो दैट और दैट यू कुड से प्लानिंग एंड एवरीथिंग एल्स फॉर दिस जी ट्वेंटी समिट लॉफ मीटिंग इंडियन सिटीज में आपको बताऊंगा जो जो भी रेलिवेंट मीटिंग है उसका हमने एक प्रॉपरली हमने टेबल बनाया है तो उससे आप यूज कर सकते हो तो यहां पर इंडिया ने जी ट्वेंटी समिट आज कंक्लूड किया है एंड इट इज दू न्यू डेली जी ट्वेंटी लीडर समिट और अगली बार जब भी कोई एक पर्टिकुलर लीडर अपना समिट खत्म करता है ना तो वो लीडरशिप अपने अगले लीडर को पकड़ाता है तो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में इंडिया के पास लीडरशिप थी अगले लीडर इज लुइज इनाशियो लूला डा सिल्वा ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील तो जो अगला लीडर जो होने वाला है ना दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम ब्राजील मतलब अगला चेयर ऑफ जी ट्वेंटी 2024 ट्वेंटी इज ब्राजील एक बहुत यू कुड से रेलेवेंट चीज है क्वेश्चन है जो बार बार आता है विच इज दी जी ट्वेंटी त्रोइका जी ट्वेंटी त्रोइका का क्वेश्चन कई बार आ सकता है जी ट्वेंटी त्रोइका का मतलब होता है जैसे मान लो कि इस साल इंडिया ने किया तो इंडिया इस त्रोइका के बीच में आएगा ठीक है इंडिया को बीच में रखेंगे पिछले साल किया था इंडोनेशिया ने तो इंडोनेशिया इंडिया से पहले आएगा और अगले साल कर रहा है ब्राजील ठीक है इसको कहते हैं जी ट्वेंटी थ्रोका दिस इज कॉल्ड जी ट्वेंटी थ्रोईका कि कौन इस साल कर रहा है वो बीच में रहेगा जो उसने पिछले साल पहले किया था वो इंडोनेशिया वो उसके ऊपर रहेगा और ब्राजील नीचे रहेगा ये त्रोईका के क्वेश्चन आ सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज टेक प्रॉपर नोट ऑफ दिस कि अगले साल ब्राजील करेगा ब्राजील के प्रेसिडेंट ये भी अभी इलेक्ट हुए तो दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर ठीक है इलेक्टेड दिस ईयर ओनली तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलो अब जी ट्वेंटी क्या ये समझ लेते हैं आज तक है ना आज तक जी ट्वेंटी वॉज अ ग्रुप ऑफ नाइनटीन कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन राइट दैट इज वाई इट कॉल्ड जी ट्वेंटी नाइनटीन और ये आपसे आप बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं इस साल के जो इवेंट हुआ है उसके टेक अवेज पर जाऊंगा तब लेकिन अब यह लिख लो कि जी ट्वेंटी वन हो चुका है ये एफ्रीकन यूनियन है पार्ट ऑफ दिस इसको पहली बार स्टैब्लिश किया था नाइनटीन नाइनटी नाइन में

थीके? और एटी फाइव परसेंट जो दुनिया की जीडीपी है वो इन्हीं कंट्रीज से आती है तो एज ए रिजल्ट दीज आर सम ऑफ दी मोस्ट स्ट्रेटेजिक एंड इंपॉर्टेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नहीं पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा क्लास में नोट्स बनाने पड़ेंगे हम बिल्कुल भी आलस प्रमोट नहीं करते हैं हमारी क्लास में यू हैव टू मेक नोट्स ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू दीडीएफ में पहली क्लास की बहुत क्लियर कर देता हूँ तो इसलिए आपने प्लीज बैठ कर नोट्स बनाओ टेक योर नोटबुक्स है ना उसको साथ में क्योंकि अपने नोट्स बनाओगे ना क्लास के बाद जाकर मुश्किल से पंद्रह बीस मिनट एक बार नोट्स पढ़ना जी ट्वेंटी खत्म फिर क्या होता है मैं पीडीएफ भेज दूंगा ठीक है डाउनलोड कर लिया पढ़ेंगे वो पीडीएफ भूल गए वो सब नहीं चाहिए जो चीज क्लास में हो रही है कवर वो उसी टाइम में खत्म हो जानी चाहिए बार बार पॉइंट नहीं कि आप मेरा वीडियो भी देखो और बार बार पीडीएफ uh, से पढ़ो मेक सेंस राइट तो यहां पर एक फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं

ठीक है हाँ चलो उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू विल नॉट फाइंड लॉट ऑफ प्लेसेस जी ट्वेंटी को एलिवेट किया गया था 2007 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में टू दी लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट तो इसका मतलब 2007 में एलिवेट किया गया था कि अब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं मिलेंगे स्टेटो स्टार्ट मीटिंग तो उसकी जो पहली मीटिंग है वो की गई फिर 2008 में, आठ में वेर हेड ऑफ दल्सो मेट ठीक है इट वॉज नॉट जस्ट दी यू कुड सी फाइनेंस मिनिस्टर तो पहली मीटिंग ठीक है यूएस की कैपिटल में पहली मीटिंग की गई ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक और आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इट वॉज ने प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन टोरटो मीट इन टी टोर कैनडा ठीक है टोरेंटो मीट हुई थी दो हजार दस में वहां पर उसको प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपोरेशन भी बोला गया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज नोट दिस डाउन वॉशिंगटन डीसी नवंबर टू थाउजेंड एट दिस इज वेन द मीटिंग ऑफ ऑल दी प्रीमियर ऑफ दी स्टार्टेड जिस तरीके की, की मीटिंग अभी इंडिया में हुई है ना वो 2008 से शुरू हुई थी ओके okay? तो इट वाज डिसाइडेड भाई कि लीडर्स विल मीट एनुअली ऑन अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी तो आपका रोटेटिंग बेसिस पर सारी कंट्रीज का चांस आता रहता है इस साल इंडिया का चांस आ गया ओके okay? और जो फाइनेंस मिनिस्टर वाली और आरबीआई गवर्नर वाली मीटिंग है ना वो बंद नहीं हुई है अभी दैट इज स्टिल ऑन गोइंग बट वो अपनी तरह से मिलते हैं जैसे विधि मिलते हैं ना ट्वाइस अ वो दो मतलब सॉरी साल में दो बार मैंने पहले शायद दो साल में एक बार बोल दिया था साल में दो बार मिलते हैं वो लोग है ना तो टू क्रिएट डिफरेंट पॉलिसीज एंड ऑल ऑफ दैट सो दे मीट ट्वाइस अ ईयर साल में दो बार मिलते हैं वो लोग तो आ, दिस इज दिस इज डिफरेंट ना कि ये लोग दो बार मिलते हैं और ये लोग हर साल मिलते हैं कुड से द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट जो भी आपकी कंट्री में जो भी सिस्टम है पार्लियामेंट का उसके हिसाब से और ये लोग साल में दो बार मिलते हैं ठीक है चलो गुड ना उसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यह देखो यहां पर G20 के दो मैं दो मेन ट्रैक्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं क्या होते हैं एक होते हैं फाइनेंस ट्रैक व्हाट इज फाइनेंस ट्रैक इट इज फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ठीक है और एक होते हैं शेरपा ट्रैक ट्रैक अभी शेरपा क्या चीज है इतना अजीब सा नाम है शेरपा तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा कि भाई इंडिया के शेरपा कौन थे

ठीक है और अभी जाकर ही और लास्ट ईयर भी मतलब आप देखोगे जो भी जी ट्वेंटी और बड़े बड़े जो टाइप के होते हैं ना यही हमारे शेरपा रहते हैं ठीक है तो एक तरह से कह सकते हो कि जैसे इन इवेंट तो उनका एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है दैट इज कॉल्ड शेरपा एंड दैट इज सिमिलर फॉर ऑल कंट्रीज ओके तो ये सिबल फॉर ओवर थ्रू आउट तो मैंने आपको जैसे बताया कि मीटिंग तो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द ईयर में हुई है लेकिन पूरे साल से माहौल बनने लग गया था अलग अलग टाइप की मीटिंग एजेंडा सेट किए गए थे तो ये उन चीज को काफी ज्यादा ठीक से वर्कआउट करते हैं ठीक है दे वर्क दैट आउट वेरी क्लियरली सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शेरपा मीटिंग बिकम एक तरह से कह सकते हो कि कस्टम हो गया इसमें कोई बहुत मेजर डिस्कशन नहीं होते इज uh, बेसिकली कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती वहां है है ना लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टम दैट दे हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड अ बी ट्वेंटी और अ बिजनेस ट्वेंटी विच ऑफिशियल जी ट्वेंटी डायलॉग फोरम फॉर बिजनेस कम्युनिटी एज वेल तो जी ट्वेंटी के साथ साथ एक वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ डायलॉग करने के लिए बी ट्वेंटी भी है राइट हा राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लेना आप तो मतलब मेरे हिसाब से तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द ईयर है ना अब क्लैट को क्या लगता है हमें पता नहीं है बट दिस इज जेन्युअनली वन टॉपिक विच इज अवी वेट टॉपिक पूरे साल से जेन्यूनली वी बिन फॉलोइंग समथिंग और दी अबाउट जी ट्वेंटी है ना सो दिस इज समथिंग जो आप मिस नहीं कर सकते किसी भी तरह से राइट चलो तो यहां पर शेरपा ओवरसीज फ्रॉम थर्टीन वर्किंग ग्रुप्स ठीक है ये लोग शेरपा को एक तरह से कह सकते हो कि गाइड करते हैं या फिर एक तरह से सजेस्ट करते हैं चीजें ठीक है तेरा वर्किंग ग्रुप से दो इनिशिएटिव से इनिशिएटिव्स के नाम लिख लो रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग आर आई आई जी एंड ई ट्वेंटी एम्पावर ठीक है प्लीज राइट दिस डाउन तेरा वर्किंग ग्रुप से अलग अलग और ये मेजर दो इनिशिएटिव हैं इनके अंडर शेरपा इज ब्रीफे दिस इज इंपॉर्टेंट रिसर्च इनोवेशन इनिशियटिव गैदरिंग आर आई आई जी एंड दी ट्वेंटी एम्पावर ये दो इनिशिएटिव हैं जिनके जो एक तरह से कह सकते हो कि शेरपा की कॉन्वर्सेशन को गाइड करते हैं कि वो क्या डिस्कशंस करेंगे राइट एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडिया शेरपा वॉज अमिताभ कांत ही वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ द नीति आयोग नीति आयोग के चेयरपर्सन थे ये पहले प्लीज नोट कर लेना ये ओके okay. तो so, ये एक तरह से कह सकते हो कि शेरपा को इनपुट्स देते हैं इनपुट्स का क्या मतलब है कि गाइडेंस देते हैं कि हाउ टू गो अबाउट थिंग्स नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ये सारे देखो मेंबर्स हैं ऑल ऑफ दीज आर मेंबर्स अब आपको रट्टा नहीं मारना है इसका बट अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो है ना यू कैन इधर टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट टू राइट इट यू कैन राइट इट बट बिकॉज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ये मैं आपको सौ परसेंट बोल सकता हूं लेकिन आपसे वो आउट वन आउट जैसे मैंने आपको बोला ना वो वैसे पूछा जा सकता है राइट right. तो जैसे कि मतलब कोई कंट्री का नाम दे दिया कि ये है या नहीं है दैट कैन बी आज बिकॉज क्लैट अपने क्वेश्चन बनाने में ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार राइट right? तो यहाँ पर उन्नीस कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं यूरोपियन यूनियन का लिखा हुआ है और प्लस इसमें आप एयू एड कर सकते हो आप है ना अफ्रीकन यूनियन कैन ऑल्सो भी एडेड टू दिस तो ये सारी पार्ट्स uh, हैं इसके है ना मैं थोड़ा सा समय दे देता हूँ जो जो लोग लिख रहे हैं उनके लिए ठीक है आराम से लिख लो नहीं कोई भी लैग नहीं है जिसका भी लैग चल रहा है वो शायद आपके इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू है देर इज नो लैग है ना मुझे तो एक्सेलेंट कनेक्शन दिखा रहे हैं यहां पर फिर से आज राइट तो यहां पर आ, नाइजीरिया जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया इट वॉज सपोज टू बी द्वेंटी एथ मेंबर बट अल्टीमेटली इट हैड टू बैक आउट ड्यू टू सर्टन पॉलिटिकल टेंशन इन दी कंट्री

इसमें मेजरली वो त्रोइका वाला सिस्टम होता है तो त्रोईका तो मैंने आपको बता ही दिया इट्स इंडोनेशिया इंडिया एंड ब्राजील राइट तो दिस इज दी ट्रोईका है ना ये जी ट्वेंटी थ्रोईका है नहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया साउथ कोरिया इज सेम है ना रिपब्लिक ऑफ कोरिया ही है नॉर्थ कोरिया थोड़ी आई यार इवेंट में ये देखो सारे यहां पर आप सोचो कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस यूएस के साथ में कोई नॉर्थ कोरिया बैठेगा आके मैं नॉर्थ कोरिया के बारे में आज कुछ फैक्ट्स पढ़ रहा था वो लोग कुछ अलग लेवल पे चलते हैं तो नॉर्थ कोरिया में ऐसा होता है कि अगर ना कभी मान लो आपके घर में आग लग जाए तो घर में आग लग जाएगी तो जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई घर में अगर कोई बच्चा है या कोई कोई भी है तो उसको फटाफट बाहर निकालते हैं तो उस बच्चे को बाहर निकालने से पहले वहां पर मैंडेटरी है कि सबके घर में किम योंग उन जो वहां के लीडर है उनके फादर और उनके ग्रैंड उन तीनों की फोटो होनी चाहिए राइट सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टेक देयर पिक्चर्स आउट फर्स्ट वो जल गई ना तो पूरी फैमिली जेल में जाएगी बच्चों को बाहर निकालो या मत निकालो तो इस लेवल पर चलता है एक मतलब फिक्स एक वो चार्ट आता है उतनी हेयर स्टाइल कर सकते हो देर इज नो सोशल मीडिया ठीक है यहां से इस वाली क्लास को पक्का नॉर्थ कोरिया से कोई नहीं देख रहा बिकॉज देर इज नो यूट्यूब वहां पे कुछ ही वेबसाइट्स है जो कोरियन गवर्नमेंट चलाती है

तो वो अपने मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल सिटी इज देर बेस्ट सिटी तो जो गवर्नमेंट के हिसाब से बेस्ट लोग है ना वहां पर वही रह सकते हैं फिर ऐसे नीचे 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 आते हैं तो बहुत अलग सिस्टम है वेरी डिफरेंट सिस्टम एंड यू वुड नेवर वांट टू एक्सपीरियंस दैट राइट चलो एनीवे anyway. वे तो यहां पर इंडिया की प्रेसिडेंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए हमारे लिए सो so, यहां पर फाउंडिंग मेंबर जैसे इंडिया हैज यूज प्लेटफॉर्म टू रेज इशू ऑन सर्टन इशूज तो यहां पर देखो नाइनटीन कंट्रीज थी इस साल मतलब ईयू तो अलग ही हो गया नाइनटीन कंट्रीज थी उनको पांच ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था और पांच ग्रुप में किया तो ऑब्वियसली एक ग्रुप में चार से ज्यादा कंट्रीज नहीं थी ठीक है मैक्सिमम वर्स फोर उससे ज्यादा कंट्रीज नहीं थी राइट तो जो प्रेसिडेंसी होती है हर ग्रुप के साथ रोटेट करती रहती है एवरी ईयर जी ट्वेंटी फ्रॉम ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट तो ग्रुप वाइज चलता रहता सिस्टम ठीक है तो ऐसे ग्रुप बनाए गए थे पांच ग्रुप बनाए थे चार 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 कंट्रीज के मैक्सिमम मतलब मोर देन फोर कंट्रीज के नॉट भी दे रहे घूमने के लिए भी नहीं जाते मतलब आप ऐसे टूरिज्म के लिए जा सकते हो मेरा तो मन है कभी लाइफ बट आई रियली वांट टू गेट देन गो मतलब इस उम्र में मरना नहीं चाहता किसी और कंट्री जाके है ना तो अगर मैं मतलब ऐसे 70 80 का हुआ कभी

कि मैं नॉर्थ कोरिया जा रहा हूं जिसको चलना चल लो तो एनी इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ ग्रुप टू ठीक है इंडिया ग्रुप टू का पार्ट था और हमारे साथ थे रशिया साउथ अफ्रीका एंड टर्की आपने देखा होगा अभी हमने थोड़े दिन पहले वो पढ़ा था ब्लैक सी ग्रीन डील ब्लैक सी ग्रीन डील का डिस्कशन यहां पर भी उठाया गया था तो द रीजन वाई इंडिया वॉज विद रशिया एंड टर्की वॉज वन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज एंड टर्की वॉज दी ब्रोकर पार्टी ओके रशिया साउथ अफ्रीका टर्की एंड इंडिया ये हमारे ग्रुप के पार्ट थे ग्रुप टू है ना एक तो आजकल वो इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं खत्म हो रहे हैं वो एक मैच हमने 50 ओवर बैटिंग कर ली आज भी हमने 25 ओवर बैटिंग कर ली पाकिस्तान बोले तुमने तो पचहत्तर ओवर बैटिंग करके हमारा एक ओवर बॉलिंग नहीं कराई मतलब ये तो एकदम क्लासिक सीन होता है ना जब गली में खेलते थे बच्चे कि मतलब ऐसा हो जाए तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं कि बैटिंग आ गई बॉलिंग करनी ही नहीं बारिश आ बॉलिंग के टाइम राइट right? चलो एनी anyway, वे तो यहाँ पर लोगो और थीम समझ लो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लोगो चलो इज दी लोगो है ना ये देख सकते हो थोड़ा सा इंडियन फ्लैग का लुक दिया गया है इस पार्ट को है ना यहाँ पर भारत 2023 इंडिया लिखा हुआ वा है वासुदेव कुटुंब कुटुंबकम वॉज दी थीम दिस ईयर राइट right? तो इसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर मतलब ये से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आपके दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए इस चीज की राइट right? तो ये सारा दिस इज दी जी ट्वेंटी का जो लोगो था तो लोगो के बारे में थोड़ा सा लिख लो ठीक है तो द लोगो ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम आयर नेशनल फ्लैग विच इज सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन और ब्लू एक एक्स्ट्रा एड किया गया था ठीक है ब्लू भी एड किया गया था तो बेसिकली जो इंस्पिरेशन है दैट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम आर नेशनल फ्लैग ओनली ओके ओके तो जो स्टेप हा ओकेट अर्थ लोटस इंडिया नेशनल दैट दिफ्लेक्ट ग्रोथ एंड चैलेंजेस आई मीन लोटस थिंग्स दिस डेज बट ठीक है इट इज व्हाट इट इज तो यहाँ पे जो देखो जैसे आप वापस से दिखा देता हूं आपको हाउ इट लुक्स ठीक है तो दिस इज दोटस पार्ट तो इसके ऊपर अर्थ रखा हुआ है ना और ये यहां पर दिस इज दोटस तो ये वो है इंडिया नेशनल फ्लैग तो उसको बनाया गया था है ना हाँ तो एक तरह से ये अर्थ दिखाया है तो अर्थ इज बेसिकली प्रो प्लान अप्रोच ना आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में चले जाओ आज तक के किसी भी समिट में चले जाओ तो ये डिस्कशन क्लाइमेट चेंज पर ही करते रहते हैं आजकल तो इसलिए वो अर्थ लगाना तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता ही है ठीक है और इसका जो नीचे यहाँ पर भारत लिखा हुआ है ठीक है तो इंडिया के आपने देखा होगा नाम के आगे भी भारत लिखा हुआ है अभी बहुत सारा स्पेक्यूशन आए थे बीच में कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर रहे हैं बट आई थिंक द गवर्नमेंट क्लैरिफाइड की दैट इज नॉट ट्रू एक्चुअली क्या हो गया कि ऑपोजिशन का जो नया अलायंस बना है उसका नाम इंडिया है तो वो इंडिया अगर मोदी जी अपने सामने रखेंगे तो वो यू नो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करता है इसलिए प्रॉब्ली देर स्टार्टेड कीपिंग भारत अदरवाइज कुछ नहीं है ठीक है तो इसको देवनागरी स्क्रिप्ट स्क्रिप्टी हिंदी हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ था दिस इज हाउ इट वॉज रिटन राइट नौ चलो ये लिख लिया ना सबने ईजी है तो बहुत ही आसान है और थीम के बारे में लिख लो इट्स वासुदेव कुटुंबकम ठीक है वासुदेव कुटुंबकम विच मीनस वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर राइट तो ये एक संस्कृत टेक्स्ट है दिट बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ आर उपनिषद ठीक है महा उपनिषद का ये एक टेक्स्ट है प्लीज लिख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay? चलो क्या वाई टी पर ट्वेंटी वन आर का वीडियो ट्रेंड कर रहा है जी ट्वेंटी के ऊपर मिलियन व्यूज हैं आपने भी देखा कि मुझे मुझे जैसे जैसे कमेंट कर रहे हो तो बस आप जैसे लोग ही देख रहे हैं है ना आप तो ये देख लो छोटा सा वीडियो यहां पर हम सब कुछ कवर कर लेंगे यही काम आएगा तो यहां पर थीम ऑल्सो स्पॉटलाइट समथिंग कॉल्ड लाइफ तो लाइफ का फुल फॉर्म समझ लो ठीक है इट्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट तो ये आगे जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे क्लाइमेट चेंज को uh, होने से रोकेंगे ऑल ऑफ दिस कमिटमेंट्स तो ये लाइफ करके एक पर्टिकुलर थीम है जो मतलब मेन थीम तो वसुदेव वासुदेव कुटुंब का कुटु, भी कुटु है बट लाइफ इज ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ इट तो आपको पता है ना कि इंडिया ने अपना जो हमारा लास्ट ईयर जो इंडिपेंडेंस डे आया था 2022 में दैट ऑफ इंडिपेंडेंस राइट तो अब सेवेंटी फाइव से लेके टिल ट्वेंटी फोर्टी सेवन मतलब दो हजार बाईस से लेके ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक ये जो पच्चीस साल का सफर है ना यहां पर यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये मानना है कि दिस इज अ टाइम वेर इंडिया वुड मूव फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री तो उन्होंने इस पर्टिकुलर टाइम को अमृत काल नाम दिया था हाल ही में इसका नाम चेंज करके कर्तव्य काल रखा गया था ठीक है तो एक तरह से इट मार्क्स दी अमृत काल ऑल्सो अमृत काल का नाम अभी हाल ही में चेंज करके कर्तव्य काल भी रखा गया था प्लीज ये लोड कर लेना हाँ, काल अमृतकाल चेंज रिसेंटली ठीक है हा चलो गुड Let's move ahead अब ये लिख लो भाई G20 अगर हम बात करें तो डिसंबर एटीन 30, 30, 30, 30, समिट ठीक है इस बार का जो था और फोर्टी फोर्टी थ्री द लार्जेस्ट एवर इन जी ट्वेंटी पार्टिसिपेटेड कभी फोर्टी थ्री हेड्स ऑफ द स्टेट नहीं आए थे यहाँ पे राइट तो यहाँ पर यह हुआ था मेजरली है ना तो जी ट्वेंटी पूरे साल भर चलता है मतलब इट्स लाइक अ पूरा ईयर लॉन्ग इवेंट तो मैं आपको बताऊंगा आगे बहुत सारी मीटिंग्स हुई है है ना इट इट ऑन फॉर लाइक एन एंटायर ईयर अलग अलग टाइप की मीटिंग होती है अलग अलग में सो विल डिस्कस दैट ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया की जी ट्वेंटी प्रायोरिटी सिर्फ थोड़ा सा नोट करना यह पूरे पॉइंटर्स मत लिखना है ना क्लैट विल नॉट आस्क यू दीज पॉइंटर्स जस्ट लाइक नोट अ लिटिल बिट ऑफ इट ओके तो यहां पे ग्रीन डेवलपमेंट क्लाइमेट फाइनेंस लाइफ तो इसमें सिर्फ आप ग्रीन डेवलपमेंट लाइफ लिख सकते हो है ना और ग्रीन डेवलपमेंट भी सिर्फ लिखोगे तो चलेगा राइट दिस इज ग्रीन डेवलपमेंट वाई आर दे चेंजिंग द नेम ऑफ एवरी प्लेस इन इंडिया Yes, वाई का जवाब मैं कैसे तू मुझे समझ नहीं आता भाई मेरे से रोज कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाता है सरकार कुछ चीज क्यों कर रही है इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं आपको है ना सर मतलब वो नाम चेंज कर रही है मतलब कुछ चीजें तो हमें समझ में आती है कि भाई आजकल सरकार भारत क्यों यूज करने लग गई है इसका जवाब मेरे पास है लेकिन अब मेरे इस बात का जवाब दूर की वो नाम क्यों चेंज कर रहे हैं मैं उनको पूछ कर आऊं है ना वो मेरा ही नाम चेंज कर देंगे तो यहां पर ग्रीन डेवलपमेंट इज द फर्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ ठीक है कि हम लोग प्रॉपरली जल्दी आगे बढ़े बिकॉज अमृत काल की बात कर रहे हैं ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री तो दिस ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर जगह होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल मत लिखो अगर नहीं लिखना इट्स फाइन ठीक है तो हमारा एक ट्वेंटी थर्टी एजेंडा है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ इट इंक्लूडिंग इंडिया ठीक है एक पर्टिकुलर चीज है कि हम लोग इतना इतना तक कर लेंगे और एवरी कंट्री इज फॉलिंग शॉर्ट ठीक है राइट hmm. right? तो यहां पर और अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी है ना हाल ही में एक एस जयशंकर द इंडिया में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हिंदू कॉलेज है वहां पर गए थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी वहां पे वेरी सेड उनसे पूछा गया कि भाई इंडिया हैज बीन ट्राइंग सो फार टू गेट इन टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो मैं थोड़ा सा अगर जिसको नहीं पता उसको बैकग्राउंड दे देता हूँ नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पांच परमानेंट मेंबर्स हैं तो जब वो बना था ना तब से ही पांच परमानेंट मेंबर्स थे ठीक है जो उस टाइम की बड़ी कंट्रीज थी उस टाइम यूएसएसआर था वो रशिया हो गया है उसके अलावा चाइना यूएस यूके और फ्रांस अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेट कंट्री फॉर एग्जाम्पल से जापान इज ऑल्सो वेरी प्रोमिनेट कंट्री

आज एक बहुत साफ सी बात है कि यार उन्होंने बोला कि जब ये शुरू हुआ था तब इनके पास पचास कंट्रीज थी है ना तो पचास कंट्रीज को चलो ठीक है पांच कंट्रीज गवर्न कर रही थी जो कि उस समय काफी एडवांस कंट्रीज हुआ करती थी एक तरह से लेकिन अब तो चार गुना कंट्रीज हो गई हैं अभी भी वो चार ही कंट्रीज रूल कर रही हैं है ना तो वही है कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है ऐसे सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स दैट इंडिया इज टेकिंग यू कुड से ह्यूज स्ट्राइड्स टूवर्ड्स बिकमिंग यू कूड से वन ऑफ दी ग्लोबल मेजर पावर्स वी ऑलरेडी आर है ना दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है लेकिन जो रिकोगशन की बात है ना वो भी हम बहुत जल्दी वी विल डेफिनेटली फिगर आउट दैट इज वेल राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का यही है विमेन लेट डेवलपमेंट तो अच्छा ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि दो हजार तेईस इंडिया ने यूएन को रिक्वेस्ट uh, करके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स घोषित करवाया है ठीक है 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स और ये इंडिया की अरे यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन नेशन का है ने डिक्लेयर किया ये है ना इंडिया की रिक्वेस्ट पे तो यहां पर ऐसा देखा गया कि टू वेमेन फ्रॉम ओडिशा शेयर इंसाइट ऑन मिलिट्स उन्होंने मिलिट्स पर इंसाइट दी वो विमेन के नाम लिख लो ठीक है रेमती घुरिया फ्रॉम कोरापुट एंड सुबास मोहंता फ्रॉम मयूरभंज सुबासा सॉरी सुबासा uh, मोहंता फ्रॉम मयूरभंज ठीक है हाउ टू एक्सेस योर कंपेंडियम्स यू कैन गो टू वेबसाइट इट्स अवेलेबल इन दी मटेरियल सेक्शन है ना रहा वेबसाइट यहां पर चले जाओ यू विल फाइंड मॉक्स ऑल्सो यू विल फाइंड कंपेंडियम ऑल्सो तो आप ले सकते हो ठीक है चलो मूविंग आइड नाउ अब ये देखो अभी जो जी ट्वेंटी की मीटिंग्स के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था ना तो टोटल मिला के थर्टी टू इंडियन सिटीज की अलग अलग लोकेशंस पर मीटिंग्स हुई है ये रेलेवेंट नहीं है बट ये मीटिंग्स नोट करना रेलेवेंट है पहली शेरपा मीटिंग नोट कर लो पिछले साल दिसंबर में शुरू हो गया था फर्स्ट दिसंबर से तो वो उदयपुर राजस्थान में हुई थी फर्स्ट शेरपा मीटिंग स्टार्टअप ट्वेंटी इंसेप्शन हैदराबाद में डेट याद रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ वेन्यू ठीक है फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग अपन इन बैंगलोर है ना फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है मिनिस्टर इज इंपॉर्टेंट हैपेंड इन और हेल्थ मिनिस्टर हैपेंड इन गांधीनगर ये कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जो आपको याद करने की जरूरत है ठीक है हाँ प्लीज राइट दिस डाउन मैं कहाँ जाऊं यहीं जाता हूँ लिख लो ये चलो लेट्स स्टार्ट लेट्स क्विकली बिगिन लिख लिया सबने चलो शुरू करते हैं फिर क्या ज्यादा वेट नहीं करेंगे जल्दी जल्दी लिखो बिल्कुल फटाफट हाथ चलाओ है ना चलो लेट्स स्टार्ट है ना लेट्स कंटिन्यू ओके okay. अब अटेंडीज के बारे में बात कर लेते हैं तो डिफरेंट ऑफ अटेंडीज कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, थी कुछ इंटरनेशनल कुछ रीजनल अलग अलग अटेंडीज थे वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट शी जिनपिंग थेदिमिर पुतिन ये तो मतलब शी जिनपिंग पुतिन को जानते ऑल्सो एंड्रेस ओब्रेडोर इज मैक्सिको के प्रेसिडेंट है ये तीन लोगों ने अटेंड नहीं किया दीज थ्री पीपल डिड नॉट अटेंड ठीक है शी जिनपिंग व्लादिमिर पुतिन

जी तो ट्वेंटी में तो बीस ही है, है ना यूरोपियन यूनियन मान लो तो उसमें भी सारी थोड़ी आएंगे एक साथ और कुछ तो ऑलरेडी पार्टी है तो उनका रिप्रेजेंटेटिव ही आता है और यहां से ये कंट्रीज थी जिनको एक अलग से इनवाइट गया था ठीक है बांग्लादेश कॉमोरोस इजिप्ट मॉरिशियस नीदरलैंड नाइजीरिया ओमान सिंगापुर स्पेन एंड यूएई ठीक है उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल पार्ट ऑफ़ दिस आए थे वहां से मेजर मेजर लिख मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आई एम एफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ आई एल ओ है ना और बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है इतना ही लिख लो नहीं पाकिस्तान में कुछ काम नहीं था ना यहाँ पे क्या करते पाकिस्तान को बुला के भाई पाकिस्तान से वो होता है ना जैसे अभी एक हाल ही में रोहित शर्मा का इंटरव्यू काफी वायरल हुआ है जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास तो शाहीन और हारिस राउ और वैसे बॉलर नहीं है नेट प्रैक्टिस के लिए तो उससे तो पचहत्तर ओवर की नेट प्रैक्टिस तो कर चुके हैं हम है ना एशिया कप का कोई खास सेंस भी नहीं है लेकिन कर चुके हैं हम राइट अभी मैं एक और किसी का वीडियो देख रहा था वो बोल रहा था कि एशिया कप ना बिल्कुल फालतू का इवेंट है कि मतलब सारी कंट्रीज के नाम पे इंडिया और पाकिस्तान को खिलाना है बस है ना बाकी कोई मैच नहीं देख रहा किसी के श्रीलंका में मैच है कल श्रीलंका का मैच भी आधे लोग देखने नहीं आए थे उनके स्टेडियम में बट सारी कंट्रीज के नाम पे इंडिया पाकिस्तान खेल लेते हैं बस यही है चलो एनीवे वे राइट उसके अलावा ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लिख लेना अफ्रीकन यूनियन वॉज मेड अ पार्ट ऑफ दिस नाउ इट्स अ परमानेंट पार्ट ऑफ दी दर से ऊपर से ये औडा नेपैड एंड एशियन ऑर्डर नेपैड साध है ठीक है वेरी वेरी थैंक्स क्यों क्या किया मैंने ऐसा ठीक है उसके अलावा इंडिया का ही चलाया हुआ है ना दिस इज नॉट दोलर अलायंस दिस इज द इंटरनेशनल सी बैड अलायंस ठीक है इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी सॉरी नॉट इंटरनेशनल अथॉरिटी को बुलाया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक को बुलाया गया था सी को बुलाया गया था ठीक है गेस्ट दर्गेनाइजेशन एज गेस्ट इनको बुलाया गया था प्लीज लिख लेना ये चलो ऑर्डर कुछ अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट अथॉरिटी करके कुछ एक बार चेक कर लेना क्या आई थिंक इट्स अफ्रीकन यूनियन डेवलपमेंट अथॉरिटी समथिंग ऑन दैट लाइन देखो ये मैंने थोड़ा मतलब ये हिंदुस्तान टाइम्स से चोरी करके अपनी स्लाइड्स को सुंदर बनाने के लिए एंड दीज फोटोज हैव बीन टेकन तो ये आर द पीपल हु अटेंडेड ठीक है ऋषि सुनाग और यहाँ ये यह जो सारे जो लोग आए थे और ये कुछ लोग थे ओवर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग एंड ये स्पेशल इन्वाइटीज थे जो मैंने आपको सारी कंट्रीज के लोग बताए तो ऑबियसली नॉट रेलेवेंट टू नोट बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हो ये एंड ये कुछ स्पेशल इन्वाइटीज थे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के लोग थे जैसे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा इंडियन ही है है ना तो ही ही केम तो जो जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स है ना दे वर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ठीक है है तो तो पीपल कम ये ना ना सारी जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन इनके आपको हेड्स के नाम आने चाहिए जनरली भी आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना तो ये चीजें आती है जैसे अजय बंगा तो करंट अफेयर ही है तो अजय बंगा आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अजय माथुर दिस इज ऑल्सो इंडियन ये आपको पता होना चाहिए है ना उसके अलावा यूएन सेक्रेटरी जनरल तो सबको पता होना चाहिए राइट आ, लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए आई मैनेजिंग डायरेक्टर पता होना चाहिए ठीक है डब्ल्यू टी ओ पता होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट पता होना चाहिए एंड डब्ल्यू एच ओ भी पता होना चाहिए देखो कितनी सारी चीजें हैं इसमें जो आपको आइडियली आनी चाहिए है ना इन फोटोज में मेरी तो थ्री डी इमेज नहीं दिख रही आपको मैं थ्री डी इमेज है मेरी मैं थोड़ा सा क्लास को हाईटेक कर दिया है ठीक है चलो लेट स्टार्ट दिस दिस लेट्स कंटिन्यू विद आपने जैसे कुछ कुछ के नाम तो नोट ही किए होंगे तो उनके जो हेड्स हैं उनकी आप लिस्ट बना सकते हो और खुद के लिए यूज कर सकते हो ओके okay, अब मेजर टेक टेकअवे डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इस पर्टिकुलर इवेंट में इस साल वाले इवेंट में हुआ क्या क्या है ना क्या क्या रेलिवेंट चीजें थी तो फर्स्ट वन इज द न्यू डेली डिक्लेरेशन तो कोई भी इवेंट कहीं पर भी होता है और वहां पर कुछ डिस्कशन और फाइनलाइज किया जाता है तो वो उस कंट्री के नाम से सिटी के नाम से डिक्लेरेशन बना देते हैं तो इस बार न्यू डेली में था तो इट्स कॉल्ड न्यू डेली डिक्लेरेशन ठीक है को इसको पास किया गया था एक अच्छी बात पता है क्या थी तो दैट डिक्लेरेशन एंटायर टेक्स्ट ऑफ दैट हैड 83 पैराग्राफ्स ठीक है 83 थ्री पैराग्राफ्स थे उस पूरे डिक्लेरेशन में ओके okay? एंड पूरा 100% कंसेंसस आया सारे के सारे पैराग्राफ्स पे ऑल दी पैराग्राफ्स वर यूनिमसली अडॉप्टेड बाय ऑल दी पीपल वर सिटिंग देर ऑल दी कंट्रीज वर सिटिंग देर बेसिकली ठीक है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो इसके कुछ 112 आउटकम होने वाले जो डॉक्यूमेंट में ही लिखे थे दिस इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा एम्बिश है शायद बट ऑल दी कंट्रीज एव अग्रीड टू इट तो दैट इज अ गुड पार्ट है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का एक सौ बारह आउटकम्स के हंड्रेड एंड ट्वेल्व आउटकम्स हाँ, ठीक है चलो लेट्स मूव एड फटाफट ये आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद बहुत रेलिवेंट भी है हमारे लिए कि अफ्रीकन यूनियन इज बिकम अम्बर तो यहां पर ऐसा हुआ है कि पहली बार 1999 से जब से ये बना है 2023 हो गया है 24 साल की हिस्ट्री हो गई ऑलमोस्ट एक नए मेंबर को ऐड किया गया है। ये कभी भी नहीं हुआ था राइट सो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप हैज बीन एडेड टू दिस नाउ ठीक है अफ्रीकन यूनियन इज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ये हमेशा अगले साल से दे विल बी अ पार्ट ऑफ ऑल दी मीटिंग ऑल्सो ठीक है तो यहां पर अगर आप देखोगे अफ्रीकन यूनियन के फिलहाल जो प्रेसिडेंट है ना तो वहां पर अफ्रीका में एक कंट्री है कोमोरोस ठीक है यूनियन ऑफ कोमोरोस वहां के प्रेसिडेंट है मतलब वहीं के प्रेसिडेंट अफ्रीकन यूनियन के भी प्रेसिडेंट है राइट right? तो जैसे हमने नाम तो हमने क्विज के टाइम पर डिस्कस किया था ठीक है तो मिस्टर अजाली असुमानी वाज़ इनवाइटेड टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज अ न्यू मेंबर ऑफ द G20 ग्रुप ओके okay. हाँ तो इंडिया हैज़ मेड द 55 फाइव मेंबर ब्लॉक द सेकेंड मल्टी नेशन ग्रुपिंग आफ्टर यूरोपियन यूनियन टू बी परमानेंट मेंबर ऑफ जी ट्वेंटी फिफ्टी फाइव नेशन ब्लॉक इज अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या अफ्रीकन यूनियन तो जैसे एक यूरोपियन यूनियन है ना जो अपने काफी सारे मैटर्स में डिस्कस करते हैं अफ्रीकन यूनियन काफी डिफरेंट है बट एज द नेम सजेस्ट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज है ना कि अफ्रीकन कंट्री वो साथ में मिलजुल के अपनी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बना सकते हैं अपने कॉन्टिनेंट के लिए अपनी कंट्रीज के लिए ठीक है हाँ ओके चलो अब अफ्रीकन यूनियन क्या ये समझ लेते तो अफ्रीकन यूनियन को 1963 में इट वाज स्टार्टेड ठीक है 1963 में उसको बनाया गया था फॉर बेटरमेंट ऑफ अफ्रीका एज अ होल ओके और उसको सेटे डिक्लेरेशन से बनाया गया था सेटे इज अ प्लेस इन लीबिया लीबिया इज अनदर कंट्री इन अफ्रीका तो लीबिया में एक सेटे डिक्लेरेशन हुआ था उससे अफ्रीकन यूनियन बना था ठीक है 1999 में एंड इट वॉज स्टैब्लिशमेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन फाइनली तो अफ्रीकन यूनियन जब एक्चुअली जो भी अफ्रीकन यूनियन हम जानते हैं ना तो ट अफ्रीकन यूनियन वॉज मेड इन नाइनटीन जो 1963 में बना था ना उस समय दैट वॉज कॉल्ड अफ्रीकन यूनिटी उसको अफ्रीकन यूनिटी बोलते थे पहले ठीक है दैट वॉज कॉल्ड अफ्रीकन यूनिटी हाँ हाइट right? फिर ये जो पूरा ब्लॉक है इसको 2001 में फॉर्मली लाया गया सेंटेड डिक्लेरेशन 1999 में हुआ तो 2001 में प्रॉपर्ली अफ्रीकन यूनियन बना और 2002 में फिर इसकी पहली मीटिंग हुई इन साउथ अफ्रीका डर्बन ठीक है साउथ अफ्रीका डर्बन में इसकी पहली मीटिंग हुई तो ये आप लोग लिख सकते हो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कुछ इयर्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बट अब लिखने तो पड़ेंगे क्या कर सकते हैं है ना ये चीजें बस दो तीन महीने और करनी है फिर कभी नहीं करनी पड़ेगी सही बता रहा हूँ है ना मतलब आफ्टर बिकमिंग और आफ्टर गेटिंग इन टू अर लॉ स्कूल बहुत रेयर हुआ है कि कुछ मतलब कभी कभी केस लॉज के ईयर याद करने पड़ते हैं बट वो हो जाते हैं इतने सारे नहीं होते है ना तो थोड़े दिन की और बात है थोड़े दिन का हसल है फिर आगे जाकर जिंदगी थोड़ी सी से सेट हो जाएगी ऐसा नहीं है कि लॉ स्कूल बहुत ही शांत होते हैं और वहां पर वहां पर तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बट एटलीस्ट आपको एक लॉन्च पैड तो मिल जाता है ना अभी तो क्या अनसर्टेनिटी है सिलेक्शन होगा नहीं होगा कैसे करेंगे बट लॉ स्कूल में जाके यू गेट अ लॉन्च पैड एटलीस्ट अनसर्टेनिटी वो वाली खत्म हो जाती है मेहनत करनी है ठीक है कर लेंगे वहां पे जाके लेकिन ये नहीं है ना कि अब क्या होगा आगे जाके लाइफ में तो वो इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए अभी मेहनत कर लो ताकि आगे जाकर जो मेहनत करनी पड़े वो मजे से कर पाओ राइट right? तो यहां पर फिफ्टी फाइव मेंबर स्टेट्स का ये पर्टिकुलर uh, यूनियन है इसका जो हेडक्वार्टर है ना दैट इज इन एडिस अबाबा एडिस अबाबा एक एफ्रीकन कंट्री की कैपिटल है कौन सी एफ्रिकन कंट्री की कैपिटल है बताओ विच एफ्रीकन कंट्री कैपिटल इज एडिस अबाबा ठीक है सो इट्स इथियोपिया ठीक है इट इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया इसके जो फाउंडर थे वो मुअम्मर गदाफी थे जो लीबिया मैं आपको बता रहा ना लीबिया में उसको साइन किया गया था 1999 में उस टाइम लीबिया के चीफ थे ये ठीक है हाँ तो उसके बाद में फिर एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आया दो में जहां पर वो विद इन आर कंट्रीज काफी सारी कंट्रीज हैं जो फ्री ट्रेड करती हैं फ्री ट्रेड मतलब कि एक दूसरे से जो जो भी उनकी चीजें होती है उस पर ज्यादा टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वगैरह ये बहुत कम लगती है है ना करेंट चेयर का नाम हमने ऑलरेडी कई बार लिख लिया है सो नो पॉइंट राइटिंग अगेन एंड अगेन ठीक है यहां तक सबको समझ में आ रहे एनी डाउट सो फार किसी को भी चलो वेरी गुड अब थोड़ा सा और बेसिक डिस्कस करते हैं एक कुछ कुछ चीजें आज तो एक बहुत बहुत बड़ा एक्सप्लेन में भी आर्टिकल आया था है ना ग्लोबल बायोफ्यूअल का अलायंस बन रहा है ठीक है किस किस के बीच में यूएस प्रेसिडेंट थे उस समय ब्राजील के प्रेसिडेंट थे और अर्जेंटीना प्रेसिडेंट थे और इटली की प्रेसिडेंट थी ये चार कंट्रीज के बीच में ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ब्राजील अर्जेंटीना इटली ठीक है तो यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि सब लोग तो आपको पता है कि पेट्रोल काफी महंगा है है ना और आगे जाकर पेट्रोल और महंगा होगा क्योंकि डिमांड तो बढ़ती जाती है जाती है सप्लाई बहुत कम है इन चीजों की तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि देर इज समथिंग कॉल्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग इथेनॉल एक प्रोडक्ट होता है जो एल्कोहॉल मोलासे वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है और उससे हम लोग आजकल अपने पेट्रोल को ब्लेंड कर रहे हैं ठीक है, है? वी आर ब्लेंडिंग पेट्रोल विद ताकि हम मान लो कि 80 परसेंट पेट्रोल में 20 परसेंट वो आएगा तो पेट्रोल का दाम थोड़ा कम रहेगा सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सब के बाकी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज उनकी तरफ जा रहे हैं लेकिन ये भी हम कर रहे हैं तो दैट इज अलायंस जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि सब इसको ज्वाइन करो ठीक है तो इंडिया के साथ साथ अर्जेंटीना यूएई साउथ अफ्रीका मॉरिशियस इटली ब्राजील एंड बांग्लादेश ठीक है ये सारे इसके इनिशिएटिंग मेंबर्स हैं इंडिया भी है ठीक है इंडिया के साथ साथ ये लिख लो प्लीज इसमें ये लिख सकते हो आप लोग ऑल दीज कंट्रीज आर मेंबर्स ये तीन ऑब्जर्वर है दीज थ्री आर दी ऑब्जर्वर्स यूएस कैनेडा एंड सिंगापोर हां हां ठीक है तो दिस इज द ग्लोबल बायोफ्यूअल अलायंस तो ये कंट्रीज हैं और कुछ उसके ऑब्जर्वर नेशन हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि मतलब इनके पास बहुत ज्यादा वोटिंग या डिसीजन मेकिंग राइट नहीं होते दे कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑल द मीटिंग्स बट दे विल नॉट द डिसीजन मेकिंग राइट पर से थर्ड वन इज ग्लोबल वार्मिंग इसमें हम ज्यादा लिखेंगे नहीं बट ये लिख सकते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग की तरह से क्लाइमेट फाइनेंसिंग करके लिख दो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी चर्चा की गई है ना अलग अलग पॉइंट्स पे तो ये किया गया है कि 2030 से पहले 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की फंडिंग ये लोग जमा करेंगे 5.8 से 5.9 बिफोर 2030 दिस अमाउंट ऑफ फंडिंग विल बी यू कुछ से डन बाय ऑल दीज कंट्रीज ठीक है तो इनके थोड़े से मतलब ऐसे वो है कि हम लोग क्या करेंगे हर, हर कंट्री का अपना अपना है तो ये बोल रहे हैं कि 2030 तक मतलब 2019 को बेस रखते हुए 2030 तक हम लोग फोर्टी थ्री परसेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम कर देंगे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब फोर्टी थ्री परसेंट तक 2030 तक थोड़ा अनरीजनेबल है ये मतलब मुश्किल है करना राइट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट

Which is the, नहीं, दो चीजें हाँ, बची है फूड सिक्योरिटी के बारे में ही लिया वो जो हमने ब्लैक सी वाली ग्रेन डील जो है तो दैटॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट तो वो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो नॉर्मली राइट तो ग्रेन फूड फर्टिलाइजर तो ब्रैक ब्लैक सी ग्रेन इनिशियटिव को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की बात की गई और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट इनिशियेटिव है तो आपको सब सबको पता होगा कि चाइना का एक इनिशियटिव है कॉल्ड एक सेकेंड ठीक है सॉरी एक सेकेंड आई थिंक आई मिस दैट चलो ठीक है एनीवे है ना मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं चाइना का एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव है कॉल्ड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ठीक है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उन्होंने 2013 में स्टार्ट किया था अब वो क्या कर रहे हैं तो पुराने जमाने में आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि कुछ सिल्क हुआ करते थे तो चाइना को वो ना पूरी दुनिया से अलग अलग तरह से कनेक्ट करते थे तो वो उन सारी कंट्रीज के साथ में मिलकर उनको लोन्स वगैरह देकर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट द सिस्टम अगेन वो इस सिस्टम को वापस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं राइट है। तो एज द रिजल्ट यहां पर उसके अगेंस्ट क्योंकि अब वो ऑब्वियसली यूएस एंड अदर कंट्रीज लाइक दैट तो उसके अगेंस्ट दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चरल पूरा इवेंट कह सकते हो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइना क्या करता है चाइना का बहुत सिंपल सा पॉलिसी है कि एक कंट्री को बहुत सारा उधार दो बाद में वो कंट्री जब आपका उधार नहीं चुका पाएगी तो उसके एसेट्स पर कब्जा कर लो राइट right? तो एक ऑडिट हुई थी उसमें पता चला था कि चाइना ने करीब 43 में से 12 लोन्स ऐसे दिए हैं जो 100 परसेंट डिफॉल्ट किए जाएंगे और जब वो डिफॉल्ट किए जाएंगे तो चाइना उस पर कब्जा कर लेगा चाइना ने श्रीलंका में किया था श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट है तो चाइना का वो वापस नहीं दे पाई पैसा तो हम्बन पोर्ट चाइना ने नाइनटी ईयर की लीज पे ले लिया उनसे तो दिस इज इज चाइना है ना सो दैट प्रॉब्लम तो अच्छा ये लिखा हुआ है मैं व्हाट व्हाट टू मी आई डोंट नो ठीक है तो उसका जो अल्टरनेट वो आया है ना दैट इज कॉल्ड द्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट ठीक है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पीजीआई पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ठीक है तो उसका ऑल्टरनेट है यह कि वो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप इक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा अगेंस्ट देल्ट एंड रोड इनिशियटिव जो इनका बी आर आई है ना उसके अगेंस्ट बनेगा सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और फिर हाई क्वालिटी एजुकेशन पर भी डिस्कस हुआ बट ठीक है मतलब वो सब चीजें आर नॉट फ्रॉम क्लैट परसपेक्टिव बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट तो सबसे पहले इसको एक तरह से कह सकते हो कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया ने और यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन किया ठीक है और यूएस ने चार कंट्रीज ने ज्वाइन किया चार कंट्रीज सॉरी तीन कंट्रीज और एक ब्लॉक तो इंडिया सऊदी अरेबिया यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन ज्वाइंटेड हा चाइना से मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर सकते हैं नहीं नहीं इतना तो नहीं मतलब अब, अब चाइना क्या कर सकता है ये तो शी जिनपिंग इंडिया नहीं आए वरना मैं पूछ लेता उनसे है ना चाइना कर तो कुछ भी सकता है वैसे चलो आज पानी नहीं पिया हाँ यार ये दिस इज अ गुड रिमाइंडर थैंक यू राइट सो दैट इज इट फ्रॉम दिस सेशन एंड आई होप इट वाज यूजफुल इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको जी में और कुछ खास नहीं पढ़ना है ओके सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू इन जी और इसी तरह से यू हैव टू यू से कीप प्रिपेयरिंग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेवेंट फैक्ट्स कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो ना तो अपना दिमाग चलाया करो कि और इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राइट right? तो अगर वो दिमाग चलाओगे ना तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आने लग जाएंगी एंड यू कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स आउट ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक विच एक्जैक्टली इज वॉट क्लैट एक्सपेक्ट्स यू टू डू है ना क्लैट आपकी क्लैट की एक्सपेक्टेशन आपसे यही है क्या वैसे अपने आप कुछ कुछ चीज़ें बना सको ओके परफेक्ट गाइस थैंक यू सो मच Bye.